शुरू शुरू में थकावट तो लगती है। राजा बन गए यहाँ पे हम। कमर दुख रहा है, देखो सीढ़ी ऐसे चढ़ चढ़ के है ना, पानी भी नहीं है यार, कुछ गलत चीजें हो रही है। सचमुच फेंक दिया तूने? नेचुरल वाटर पी रहे हैं अभी, इतना बड़ा पेड़ है ये, रूट के साथ में है, मतलब पानी का बहाव, पानी का प्रेशर। हर हर महादेव। क्या बात है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद एंड भवानी व्लॉग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन कौन आया है? हम लोग अपने व्लॉग की अगली कड़ी में जा रहे हैं भीमा शंकर ट्रैकिंग के लिए, और ये मुंबई से तकरीबन 105 किलोमीटर है। हम लोग पहले पहुंचेंगे बेस विलेज पे, तो 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग है, और तब जाके हमारे हम लोग वहां पहुंचेंगे भीमा शंकर ऊपर, जहां शंकर भगवान का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वो। लोग अभी ऑलमोस्ट गर्जत तक पहुंच गए हैं, लेट हो गया है, लेकिन क्या करेंगे, अभी धूप में ट्रैकिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर। स्टिल अभी हमको 1 घंटा 30 मिनट के आसपास बता रहा है। फ्रेंड्स अभी हम लोग मुरबार नाका पहुंचे हैं, यहाँ रुक के कुछ वड़ा पाव खाएंगे, और ये पूरा के पूरा टैक्सी स्टैंड भी है। बेचारे गुप्ता जी की कार है, उनके चेहरे पे देखिए क्या शिकना है हुए है। इसको बंगाल में बेचना पड़ेगा, बंगाल में बेचना पड़ेगा लगता है, ऐसा है। ये डेस्टिनेशन आ गया है। अब हम लोग 1 बजे हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर में, जो कि बहुत अच्छा टाइम नहीं है। 4 से 5 घंटे का ट्रैकिंग है यहाँ, और यहाँ अभी देखो हमारी ये गाड़ी यहाँ अभी ये रहेगी। ये गुप्ता जी और किशोर ये जाएंगे पूना वाले रोड से होके, फिर डायरेक्ट हमको ऊपर भीमा शंकर मिलेंगे। क्या कितनी वे लगा खालती उतरायला चढ़ायला? 3 तास कमी लागणार आहेत ना असं आहे, आणि जास्त अवघड आहे का? जास्त नाही एवढं अवघड, पण 10,000 वरती गेलं का अवघड आहे असं आहे ना। असं बोल के हम की हर हर महादेव, हम लोग चल रहे हैं अभी। हाँ, और हाँ सबसे बड़े मोबाइल का रेंज नहीं है भाई यहाँ। अभी देखते हैं कितना समय लगता है पहुंचने में, करीब 4 घंटे का टारगेट पकड़ के चले हैं। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट भी सोए थे, ये जो और थकावट तो है वैसे भी, जो है वो है, नींद भी पूरी नहीं हुई है। ये रास्ता तेरे को मालूम है? देखो यहाँ छोटे छोटे ऐसे मार्किंग एरो बताए हुए कि यहीं से निकलना है। अच्छा ये देखिए, हम अभी अपने 3D कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने पूरा के पूरा एक जंगल है, हर जगह हरियाली है, और थोड़ी सी उमस तो है ही। इतने वॉक करते हैं फिर भी ट्रैकिंग में थक तो जाते ही हैं, भवानी भी थोड़े थक गए हैं, तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होगा। कमर पकड़ लिया क्यों? हाँ, ये छोटी सी पगडंडी है, और इसके नीचे देखिए ये पूरी की पूरी एक तरह से खाई है, अगर आप संभल के नहीं चलोगे तो तकलीफ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे सामने देखिए पूरा के पूरा पहाड़, ये सब हम लोग करीब करीब 10 किलोमीटर आगे ऊपर, नहीं नहीं 1.25 किलोमीटर अभी तक आए हैं, अभी और काम बाकी है, देखते हैं कहाँ कहाँ चलना रहता है। हाँ तो ऐसी ट्रैकिंग कराएगा, अमर ही करेगा भाई, अमर के साथ रहेगा तो ऐसी ट्रैकिंग करा देगा। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो हो गए, हम लोग ने बहुत लेट शुरू किया मतलब ट्रैकिंग करना,
अभी कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे के कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा तब करते जाएंगे। देखिए ये पहाड़ पे ऐसे चढ़ना पड़ेगा। ओह लेने लग गया तो अमर यहाँ ऐसे कोई जंगली जानवर भी मिलते हैं क्या कभी कभी? वो मिलते हैं कभी, कोबरा हुआ, शेर तो नहीं। और कोबरा है तो कैसे सेफ रहना चाहिए? कोबरा है तो उसको हलचल अपनी बंद कर दो बॉडी की, एक तरफ खड़े रहो तो वो चुपचाप चला जाएगा। नेचर को चैलेंज मत करो, चलते रहो। पहुंच रहे हैं गणेश घाट का गणेश जी मंदिर और वहाँ थोड़ा सा 5 मिनट हम विश्राम करेंगे छाँव में। ओह हम लोग पहुँच गए हैं गणेश मंदिर और यहाँ रेस्ट करेंगे। गणपति बापा मोरिया, बाकी थक गए हैं देखिए, ये भी थका रहा है, इनको चाहिए एक सिंकारा। सरलता से पहुँच गए बिना कोई तकलीफ के, लेकिन थोड़ा सा मेरा कमर जरूर पकड़ लिया, फिर भी मैं आ गया। अब थोड़ा हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, गर्मी भी है, थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे हैं, एक बोतल पानी लिए हैं, अपना पानी यहाँ अपने बचा बचा के रखो, अगर नहीं मिले तो काम आ जाएगा, मिले तो अच्छी बात है। ये वीडियो ले, स्वर्ग का एहसास क्या है? स्वर्ग का एहसास, हाँ हाँ हाँ, राजा बन गए यहाँ पे हम। कमर दुख रहा है इसलिए रेस्टिंग मोड में है, योगा कर रहे हैं मंदिर में। ये देखिए हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोकल फ्रेंड लोग भी है, जो हम लोग जो ऑलमोस्ट 25 मिनट में चढ़ाई किए, ये ऑलमोस्ट 10 मिनट या 8 मिनट में चढ़ लिए। देखिए ये भाई हमको नीचे जो मिले थे, क्यों क्या है बरबर खुद चांगला ला तुम्हें यहाँ तो मैं कहा। अभी देखिए हमने बोला है कि इस देखो सीढ़ी ऐसे चढ़ चढ़ के है ना, थोड़ा सा हम लोग भी ऐसे भवानी चढ़ गए हैं। इतना इजी बोलते हैं लेकिन इतना इजी नहीं है। ले अमर हमको ले जा। अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे आप गेट के बाद बहुत बहुत है, बहुत ऊंचा ऊंचा है, डोंगर पे चढ़ना है उधर, सिर्फ मंदिर चालू है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। 4-5 तास लगना रहा है, पानी भी नहीं है यार, कुछ गलत चीजें हो रही है। ये सब छोकरे लोग का हालत खराब हो गया तो अपना तो होना ही है। कुछ आगे ऐसे प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कुछ हड़ताल है और वहाँ के जितने भी प्राइवेट स्टे बंद है और ट्रांसपोर्ट वाले को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले को जाने नहीं देते। अच्छा हमने गाड़ी वहाँ भेजा है, अगर टाइम पे पहुँच जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तकरीबन हम लोग 1.25 घंटा चल लिए हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ 25% हम लोग मेरे घर से चढ़े हैं। बहुत सचमुच फेंक दिया तूने, क्या गलत बात है। नेचुरल वाटर पी रहे हैं अभी, हाँ टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा है। तू भी टेस्ट करके बता मुझे, फिर बाद में मैं कुछ पूछता हूँ, ये तो जंगली आदमी है ही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता है। और इसके बाद में जब सब लोग है ना, ये मंत्रीगण लोग टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में राजा पीता है। ये देखिए हमारे पहले ये गए रक्षा मंत्री और ये मंत्रियों के प्रधानमंत्री और उसके बाद में हम राष्ट्रपति बैठेंगे पीने के लिए। हाँ इतना प्योर पानी है, कैसा लग रहा है भवानी? पीते पीते छानेगा नहीं, हाँ ऐसा ना, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पानी को। क्या बात है वाकई, ओस का पानी है ना, ओस का नहीं है, ओस का है बाबा, ये फेकू चंद है, और कोई पानी यहाँ पर आता ही नहीं है, पीने लायक है ना। ठीक है चलो अभी हम थोड़ा पी लेंगे। सर पे भी डाल दे, वाकई प्यास बहुत लगी थी, पी रहे हैं लेकिन सचमुच अच्छा पानी है।
ओहो एंजॉय एंजॉय, थक गए हैं फिर भी एंजॉय। ये देखिए हम इस टॉप पे जाएंगे, उतना टॉप तो नहीं, वहाँ से साइड से हो जाएंगे। और ये कौन सा गढ़ बोला जाता है पूछता हूँ मैं, मुझे याद नहीं अभी। बहुत ऊपर आ गए हैं और थक भी गए एक तरह से, पानी पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। भवानी और वो अमर आगे है, ये देखो आपको ये टॉप बता रहा हूँ मैं, ये जो मैं आपको उंगली से जो टॉप बता रहा हूँ वहाँ तक हम ऊपर जाएंगे, उसके साइड से होते हुए जाएंगे। और जठार वो है गढ़ है, अब वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब उसके साइड से हो कि इतना ऊपर जाना, आपको इतना तकरीबन इतना अभी डिस्टेंस कवर करना है। कैसा लग रहा है भवानी? बहुत बढ़िया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे महाकाल की तरफ से। यस, अभी हमारे सामने गणेश जी और नंदी मेरा स्वागत कर रहे हैं। देखिए ये जो पहाड़ को देख के मेरा दिल ही नहीं भर रहा है। इसको मैंने जठार गढ़ बोला था, जबकि ये पदरगढ़ है। मैं रेक्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, एक तरह से शिवलिंग की प्रतिकृति, ऐसा लगता है कि शिवलिंग ही है वहाँ पदरगढ़। हाँ पदरगढ़, पदरगढ़ के उस पे नीचे खड़े हैं और अभी कुछ थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ बहुत गर्म हो गया अभी, ये देखिए ये थोड़ा सा इन लोग एंजॉय कर रहे हैं संतरे का रास्ता। ये संतरे एंजॉय कर रहे हैं, क्यों भवानी? संतरा, ये बंदर लोग संतरा खाते हैं ना, वैसे ये बंदर लोग कलरफुल। भवानी देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। और जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये सामने जो मेरे लाइन से ये मेरी उंगली जो दिख रही ना, वो है सीढ़ी घाट है। तो वहाँ ऐसे 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 लेडर लगाए हुए हैं, वैसे चढ़ चढ़ के जाके वैसे ऊपर तक चढ़ा जाता है, वहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे। एक कुआँ भी है जो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊँ, यहीं से निकलेंगे ना, यहीं से निकलेंगे ना, वो भी आपको बताऊंगा। आगे जाओ ना, चल के दोस्तों, रियली बहुत मज़ा आ रहा है और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर रेस्टिंग सम टाइम, मतलब तकरीबन 5 मिनट हम बैठे और संतरे भी खाए और अभी बस हम निकल चले हैं। आपको ये थोड़ा वैली दिखाने जा रहे हैं, कितने डीप है ये अंदर वैली, खतरनाक भी है। बस अभी इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतने भी मैं भी हम भी परमिशेबल नहीं है। हर हर महादेव। थोड़ा प्लेन चढ़ने के बाद में अभी थोड़ी सी स्टिफ चढ़ाई हो गई है, ये ऐसे बड़े बड़े स्टोन पे ऐसे सीधा चढ़ना पड़ेगा वैसे। हाँ पहले बीच में थोड़ा सा प्लेन सरफेस था तो मज़ा लगा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई है वैसे। इतना बड़ा पेड़ है ये और ये रूट के साथ में है, मतलब पानी का बहाव, पानी का प्रेशर। हर हर महादेव, क्या बात है। ले ये भवानी लेके चलने वाला है, इसके विचार है, देखते हैं कितना कदम चल पाता है और आगे ही हम आपको बताएंगे कि चल पाया कि नहीं पाया, कि नहीं जाने तो मैं इतना उठा नहीं। और ये बस बस इसने 4 कदम पे इन्होंने हार मान ली है, ये अमर ने भी ये छोड़ दिया है क्योंकि ये इतना हैवी गदा है कोई महान व्यक्ति उठा सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं, हम सामान्य व्यक्ति है। अभी आप देख रहे हो रास्ते एकदम स्टिफ से स्टिफ होते जाएंगे।
और स्टेप हो जाएंगे, हार्ड होगा, लेकिन थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ी सी थकान भी लगेगी। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अभी चढ़ के चेक पोस्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर पर्सन 60 रुपीज़ दे के ऊपर चढ़ना रहता है, दे के जाना पड़ता है। फिर यहाँ से अभी एकदम स्टिफ चढ़ाइए, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से स्टिफ चढ़ाइए। और हमारे लिए यहाँ नींबू पानी बन रहा है, पूरे रास्ते में पहली जगह हमको पानी मिला है। नहीं ना, क्या हरकत ना, अरे जैसे दे, देखो कितना रुपया है पर पर्सन, 60 रुपये। ये बाइक गाड़ी जाती किधर से? अच्छा देखिए, यहाँ 60 रुपीज़ पर पर्सन है, तो उसके साथ 3 जन का 180 रुपये हम लोग दे रहे हैं। ये अभी हमारे लिए चेक पोस्ट पे एंट्री है, चेक पोस्ट है, और यहीं से एंट्री होगी। हम लोग जाएंगे अभी अभी अभी। ये ट्रैकिंग बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि अभी ऐसा पूरा टोटल इंक्लाइन है। ये नीचे से देखिए ऐसे ही चढ़ने वाला है ये। हाँ, ट्रैक तो अभी चालू हो रहा है, उसके पहले थे हम लोग जो मुश्किल समझ रहे थे, वो हमारे ट्रैकर के हिसाब से वार्म अप था। अरे भाई, वो वार्म अप था तो ये क्या है रे भाई, कितनी स्टिफ रास्ता है, एकदम ऊपर ऐसे कैसे ऊपर चढ़ना है। हाँ, अब बहुत स्टिफ है, सोचते थे उससे भी खतरनाक है भाई। कैमरा संभालना, अपने आप को संभालना और छड़ी संभालना, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। अरे बाप रे, देखो ज़मीन पे ध्यान दे रहा हूँ। ये साइड में है, यहाँ से पूरी की पूरी खाई है, और भवानी यहाँ खड़ा हुआ है, और ऐसे ही कट कट रास्ते करके ऊपर जाना है, तो इतना ऊपर जाएंगे हम लोग। अब ये देखिए सामने पूरा के पूरा तराई वाला क्षेत्र है। मुश्किल भरा काम। हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा बच्चा, आज बहुत ही कठिनतम चढ़ाई चढ़ के आ रहा है ना। हाँ, कैसा लगा आपको? चल, इतना थक गए हैं, थोड़ी सी चढ़ाई हुई तो भी ऐसा लगता है कि सांस फूल जा रहा है। ऊपर से कुछ ऑक्सीजन कम नहीं है, बट थकान जैसे हो जाती है। अभी ये सकरा रोड है, वो जो हम बता रहे थे पदरगढ़ है। देखिए एकदम, अब देखिए कितना नीचे है, बहुत मुश्किल से चढ़ा रहा है, इतना ऊपर से आ रहा है। ये सामने से देखो, ये नीचे से ऐसे आ रहा है। ये चढ़ने की जगह है, कहीं कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। भीमाशंकर ट्रैक वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक में आता है, जो महाराष्ट्र में। सीना फूल के चौड़ा हो गया हमारा। और क्या है, मतलब थोड़ा सा हमने आप पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नीचे झाड़ी देखिए, कितना छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गई है, और हम लोग इतने एकदम टॉप पे है। भवानी जी भी थक गए, हम लोग भी थक गए, और ये तो ऑलमोस्ट थका ही नहीं है। थकना अपना काम नहीं है, चलो अच्छी बात है। जो डर गया, चलो कोई समझो मर गया। अभी देखो इतना ऊपर हम लोग को और जाना है, धीरे धीरे जाएंगे। और रास्ता रियली ऐसे बोलते हैं, लेकिन बहुत कठिन है। एकदम टॉप पे आ गए, भीमाशंकर गांव के ऊपर आ गए एकदम। अभी यहाँ से सिर्फ 15 से 20 मिनट बोल रहे हैं, वैसे जाके मालूम पड़ेगा कितना है। देखिए अमर वहाँ बैठा है, हम दोनों यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। सनसेट भी होने वाला है, हम लोग इस पोजिशन पर। यहाँ से पत्थर देख के आपको कैसे लग रहा है बताओ? ऐसी सब जगह हम लोग चढ़ रहे हैं अभी, बताइए।
आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, 5% थोड़ा सा उजाला, 5% में 2% उजाला है और पूरे घने जंगल से अब जो रात को निकलना पड़ रहा है थोड़ा सा डरावना भी है। दिन का जो एडवेंचर था रात का एडवेंचर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। एकदम टॉप पे आ गए, टॉप मतलब ये यहीं जो नीचे से जो टॉप दिख रहा था ये यही टॉप है। अभी एकदम थक गए हैं लेकिन अभी यहाँ से 20 मिनट की और चलाई है। इसी तरह से अंधेरा हो गया है, आप ऊपर देख रहे होंगे लेकिन इसकी लाइट है, मोबाइल की लाइट है लेकिन पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और मुश्किल है, लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं। बस ये कुछ ही दूरी पे मंदिर का मेन गेट आ जाएगा। पहुँच गए हैं हम लोग अभी और यही सीढ़ी है। हाँ भी देखो यहाँ से स्टेप्स है, ये तकरीबन 220 स्टेप्स है जाके नीचे मंदिर आएगा और मतलब ऐसा नीचे के साइड में मंदिर है। और हमारे जो दो दोस्त है उन लोग अभी तक पहुँचे नहीं है, हम लोग पहाड़ चढ़ के पूरा पहुँच गए लेकिन उन लोग नहीं पहुँचे हैं। देखिए ये यही सब सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आपको जाना पड़ेगा, उतर के जाना पड़ेगा। और देखिए दुकान सब सजी हुई है और अरे पहले दर्शन करके आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद भी लेंगे। डेफिनेटली हम लोग बहुत थक गए हैं और वापस एक बार शेयर करते हैं कि हमारा ये जीवन का बेहतरीन अनुभव रहा है और आप लोग भी आइए। भाई देखो आज तक इतनी हैरत अंगेज चढ़ाई नहीं की है लेकिन भगवान के नाम पे कर गए और पहुंच भी गए, अब मंदिर पहुंचने वाले हैं हम लोग श्री क्षेत्र में। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा थकान ऐसा लगता है कम था। दर्शन करेंगे अभी और आपको बताएंगे हमारा दर्शन कैसा हुआ है। और देखो पूरे बाजार भी आपको दिखा रहे हैं और आज कुछ यहाँ स्ट्राइक था इसलिए ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। बहनी ने ले लिया है, मीठा खाने का मूड हो गया था, क्यों बहन नाले में टेस्ट किया था इसलिए टेस्ट किया तो थोड़ा प्रसाद भी चढ़ाना है। हमारा दर्शन हो गया भीमा शंकर का, शंकर भगवान का, बहुत अच्छा दर्शन हुआ और आरती भी हमें मिली और इतना अच्छा दर्शन हुआ कि एक तरह से हमको VIP दर्शन मिल गया ऐसे। और अभी हम लोग डिसाइड किया है कि अभी आज बॉम्बे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए हैं तो इसके लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे। लेकिन और कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करूंगा कि हमने उनका क्या क्या एक्सप्लोर किया है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। तोड़ो थोड़ा, अरे नहीं मोड़ दो, खाली टूट जाएगा। हाँ मोड़ो, अभी ए रुक वीडियो तो निकालने दे। गन्ने का खेत में एंजॉय कर लिया हमने और ये मैं 360 डिग्री कैमरा से शूट कर रहा हूँ मैं और मज़ा आया। ये हमारे आप लोगों के लिए हम लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं। यस सर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का गन्ने भी तोड़ रहे हैं हम लोग। गन्ना भी खा रहा हूँ भाई। ओह ये सह्याद्री होटल हमारा